नमस्कार। तो आज हम मिस्टर प्रेम वत्सा के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करते हुए सक्सेस हासिल किया है और बिलियनियर बन गए हैं। मिस्टर प्रेम वत्सा का जन्म 1950 में हैदराबाद में हुआ। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया था। इंडिया में अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद MBA करने के लिए वो अपने भाई के पास कैनेडा चले गए। वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो, जिसे अब रिचर्ड आइवी स्कूल ऑफ बिजनेस के नाम से जाना जाता है, उसमें MBA के लिए एडमिशन ली। जब उनके कॉलेज के बाकी बच्चे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, वही मिस्टर प्रेम वत्सा खाने के पैसे बचाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। अपनी MBA की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए वो MBA करते करते फर्नेसेस और एयर कंडीशनर्स बेचते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपना MBA पूरा किया। MBA पूरा करने के बाद उन्हें कॉन्फेडरेशन लाइफ इस इंश्योरेंस कंपनी में जॉब लगी, जहाँ पर उन्होंने अगले 10 साल तक जॉब की। जब वो कॉन्फेडरेशन लाइफ में जॉब कर रहे थे तब उनके बॉस, जिनका नाम मिस्टर टॉनी हैमलिन था, उन्होंने मिस्टर वत्सा को द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये बुक गिफ्ट किया और उन्होंने मिस्टर वत्सा से कहा कि ये बुक तुम ज़रूर पढ़ना। जब मिस्टर वत्सा ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी तो मानो उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ऐसी जानकारी उन्हें पहले किसी ने नहीं बताई थी। इस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना फोकस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रखा और वही उनका गोल बन गया। कॉन्फेडरेशन लाइफ तब एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वहाँ पर उन्हें काम करने की फ्रीडम नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया। फिर 1984 में उन्होंने, जिस बॉस ने उन्हें दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर गिफ्ट की थी, उनके साथ हैमलिन वत्सा इन्वेस्टमेंट काउंसिल नाम से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की। 1985 में उन्होंने मार्कल फाइनेंशियल इस इंश्योरेंस कंपनी को खरीद लिया और उसका नाम बदलकर फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स रख दिया। फेयरफैक्स के जरिए वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स करने लगे और उन्हें मिल रहे सक्सेस के चलते उन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया और अलग अलग देशों में कई इंश्योरेंस कंपनीज को खरीदना भी शुरू कर दिया। अपनी इन्वेस्टमेंट्स में उन्हें बहुत सक्सेस मिलती गई। उन्होंने 1987 का स्टॉक मार्केट क्रैश, 1990 का जापानीज मार्केट कोलैप्स और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस पहले ही प्रेडिक्ट किया था। और सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं किया था, उन्होंने उस टाइम शॉर्ट सेलिंग करके बहुत पैसा कमाया। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग क्या होती है ये पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग एक टेक्निक है जिसके जरिए जब स्टॉक मार्केट गिरता है या जब किसी शेयर की प्राइस गिरती है तब पैसा कमाया जाता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्होंने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इस प्रोडक्ट का यूज़ करके $1.5 बिलियन के करीब प्रॉफिट कमाया था। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को डिटेल में और बहुत आसान भाषा में समझाया है। आप YouTube पर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सप्लेन बाय finnovations.com ये सर्च करके वो वीडियो देख सकते हो। मिस्टर प्रेम वत्सा एक वैल्यू इन्वेस्टर है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने के बाद वो उसके ऑथर मिस्टर बेंजामिन ग्रहम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बेटे का नाम मिस्टर बेंजामिन ग्रहम के नाम पर बेन रख दिया। बेंजामिन ग्रहम से उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का महत्व समझा। मिस्टर वत्सा बेंजामिन ग्रहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं और वो मिस्टर वॉरेन बफेट के भी बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथावे की 30 से ज़्यादा एनुअल मीटिंग्स अटेंड की है। बर्कशायर हैथावे की एनुअल मीटिंग में मिस्टर बफेट और उनके पार्टनर मिस्टर चार्ली मंगर इन्वेस्टर से बातचीत करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। इंडिया में भी उनकी कई इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिलहाल वो इंडिया पर बहुत फोकस कर रहे हैं। इंडिया में उन्होंने IIFL, क्वेस कॉरपोरेशन, थॉमस कुक इंडिया, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन जैसी कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है। वे इंडिया पर बहुत बुलिश है। उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए फेयरफैक्स इंडिया नाम से नई कंपनी फॉर्म की है, जिसके जरिए वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। रिसेंटली उन्होंने डिजिट इस ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मिस्टर प्रेम वत्सा की कंपनी ने अब तक इंडिया में करीब $4 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। 2016 में क्वेस कॉरपोरेशन का IPO आया था। उसकी इशू प्राइस तब ₹317 थी और अब जून 2018 में उसके शेयर प्राइस ₹1250 से भी ऊपर चली गई है। ICICI लोम्बार्ड में भी उन्होंने $930 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट की अच्छी तरह से जांच कर लेते हैं। अगर कंपनी का मैनेजमेंट भरोसेमंद नहीं है तो वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। कैनवेस्ट ग्लोबल कम्युनिकेशंस, टॉरस्टार और अभी टीवी बोवाटर, इन शेयर्स में उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था तो उन्हें भी लॉसेस हुए हैं, पर वो उनसे सीखते गए और अपनी गलतियां सुधारते गए। मिस्टर वत्सा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अपने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट यानी फिर से इन्वेस्ट करते हैं। वे बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और हमेशा पेशेंस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं।
इन्वेस्टिंग करते वक्त वो कोई जल्दबाजी नहीं करते। जीरो से शुरुआत करके आज वो बिलियनियर बन गए हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट स्किल्स और बिजनेस स्किल्स को देखकर लोग उन्हें कनाडा के वॉरेन बफेट कहते हैं। आज मिस्टर वत्सा सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक मोटिवेशन है। उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि आप जीरो से शुरुआत करके भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। वे बहुत कम बात करते हैं और मीडिया से दूर रहना ही पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। आज फेयरफैक्स US, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील की कई इंश्योरेंस कंपनीज को ओन करती है। आज का ये वीडियो हमारा यानी finnovations.com का रूम ऑफ थॉट के साथ कोलैबोरेशन वीडियो था। हमारे चैनल finnovations.com पर हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े वीडियोज़ अपलोड करते हैं और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को बेसिक से सिखाते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमारा चैनल finnovations.com सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का एड्रेस है youtube.com/finnovations। हमारे चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अगर आपने अभी तक रूम ऑफ थॉट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करिए, ताकि आपको इनके सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।